नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन। पवित्र नगरी मुलताई में आगामी त्योहारों को लेकर थाना परिसर में बुधवार शाम शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ईद एवं रामनवमी पर्व पर व्यवस्थाएं बनाने के लिए उपस्थित नागरिकों से सुझाव लिए गए। बैठक में ईद पर्व पर ईदगाह, टेकड़ी एवं कब्रिस्तान सहित अन्य स्थानों पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। वहीं रामनवमी पर्व पर निकलने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का रूट भी तय किया गया। पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उपस्थित हिंदू एवं मुस्लिम समाज के लोगों से दोनों ही त्यौहार नियमों का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की गई। बैठक में नगर में आवारा मवेशियों सहित लगातार बढ़ रही श्वानों की संख्या पर कार्रवाई करने का नागरिकों द्वारा कहा गया। शेख जाकिर ने कहा कि शांति समिति की हर बैठक में श्वानों के मुद्दे को लेकर बहस की जाती है, लेकिन हर बार नपा द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि नगर में बेशुमार श्वान खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। एम्बुलेंस को लेकर नपाध्यक्ष एवं बीएमओ में हुई तीखी बहस। बैठक के दौरान विधायक निधि से लगभग 5 वर्ष पूर्व दी गई 2 एम्बुलेंस के खंडम हो जाने पर नपाध्यक्ष वर्षा गड़ेकर ने बीएमओ को तलब किया। वर्षा गड़ेकर ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से दोनों एम्बुलेंस खड़े खड़े क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। इस पर बीएमओ अभिनव शुक्ला ने कहा कि दोनों एम्बुलेंस के कागजात उन्हें आज तक नहीं मिले हैं, जो सीएचएमओ ऑफिस में है। इस पर वर्षा गड़ेकर ने तत्काल सीएचएमओ ऑफिस बैतूल में कागजातों को लेकर चर्चा की। संबंध में वर्षा गड़ेकर ने बीएमओ शुक्ला के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए बताया कि उनकी बात करने का तरीका गलत था। एम्बुलेंस को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष एवं बीएमओ की हुई तीखी बहस। बीएमओ शुक्ला ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई फंड नहीं है जिससे वे एम्बुलेंस संचालित कर सकें। संवाददाता अविनाश तायवाड़ी की रिपोर्ट।